कि जरा ध्रुवराठी, अगर तुम अपने असल बाप की पैदाइश हो तो ये जरूर एक प्रोग्राम इस पे करना कि ये जो बैंकों का मुनाफा 8-10 गुना ज्यादा बड़ा है, ये कहां से बड़ा? तुम्हारे बाप आके पैसा दे गए बैंकों को कि तुम्हारी अम्मा आके पैसा दे गई? कौन दे गया ये पैसा बैंकों को जिनका मुनाफा 3,19,000 करोड़ हो गया? अगर तुम अपने बाप से पैदा हो ध्रुवराठी तो जरूर बताना। लेकिन ये लोग कह रहे वो रोजगार नहीं, भारत का अर्थतंत्र कमजोर हो गया है। आप कह रहे कि भारत की समृद्धि और संपन्नता का नया इतिहास मोदी ने रच दिया, कैसे? हाँ मनीष जी, जरा दोनों खबरें दिखा दीजिए दर्शकों का। वास्तव में गर्व का विषय है और हर भारतीय के लिए जिसको भारत से प्रेम है उसको उसको वास्तव में हर्ष होगा कि हम नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में कहाँ पहुंचाया, और वो भी 2 साल के कोरोना काल को बीच में। 2 साल का वो एक तरह से व्यवधान है, पूरी आर्थिक व्यापारिक व्यावसायिक सारी गतिविधियां ठप थी और उसके बाद ये परिणाम है 10 साल में, तो अद्भुत है मनीष जी। जरा खबर दिखा दीजिए फिर उसमें हम लोग, मैं पढ़ देता हूँ। ये पहली खबर है, 10 साल में बदल दिया बैंकिंग सेक्टर मुनाफा, पहली बार 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ नहीं, ये 3,19,000 करोड़ रुपए का है। और जरा दर्शकों को बता दूं कि 2013-14 में जब वो महान अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्रियों का महाबाप, इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा था, तो बैंकों का जो लाभ था वो 3,30,000 रुपए था, 30,000 करोड़ रुपए। आज की तारीख में वो सरकारी बैंकों का लाभ जो है 1,41,000 करोड़ आया है, और प्राइवेट वालों का 1,78,000 करोड़, और कुल मिलाकर ये 3,19,000 करोड़ रुपए तो केवल बैंकिंग सेक्टर ने कमाया। ये मनीष जी, ये उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है, अभी इस पे तो बात करता हूं। और जरा दूसरी खबर दिखा दीजिए। ये तो समझिए, चुनाव नतीजों से पहले बीएसई ने रचा इतिहास, भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। और जरा नीचे आइए मनीष जी, कि $5 ट्रिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल, शेयर मार्केट की आज हो गई है, यानी 5 ट्रिलियन का। आप ये समझिए दर्शकों से बताऊंगा कि 412 लाख करोड़, मतलब इसको लिखने में लिख नहीं पाएगा आदमी, कैसे लिखा जाए। तो ये है शेयर मार्केट की, और ये खबर अभी मुश्किल से 5-6 घंटे पहले ही मेरे आई है सामने, तो दर्शकों से इससे परिचित कराना था। अब जरा मनीष जी इसके प्रभाव समझिए, ये जो दोनों खबरें हैं ये इस देश के खैरातियों को, इस देश के मोदी विरोधियों को, और इस दिल्ली में बैठे दलालों को, यूट्यूब में घूम रहे दलालों और भड़ुओं को, इनको पूरी तरह से नंगा करती है। और नंगा करने के बाद इनके पूरे चेहरे पे, शरीर पे, पीठ पे, पेट पे, पिछवाड़े पे कालिख पोतती है, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, ताकि कहीं कुछ बच ना जाए। क्योंकि ये सारी बातों के जवाब है मनीष जी, ये दोनों खबरें सारी बातों का जवाब है। जो ये पिछले 5 साल से जैसे वो मस्जिद के सामने भिखारी बैठ के भीख मांगता है, ये एक ही रट बना के उसी तरह से अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, ऐसे ये मोदी के विरोध में मांग रहे थे। कि जरा मनीष जी, बैंकों का जो 30,000 करोड़ रुपए साल का बया था, वो अगर सरकारी बैंकों की बात करूं तो 1,50,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में हो गया, या उस समय जो इनका कुल था सारे बैंकिंग सेक्टर का 40-45 हजार करोड़, वो आज 3,19,000 करोड़ है। तो ये बैंकों की आमदनी बढ़ कैसे रही है? बैंक कोई और काम नहीं करते, बैंक कोई गेहूं नहीं बोते, बैंक कोई फैक्ट्री नहीं चलाते, बैंकों का कामकाज सिर्फ ब्याज से जो उनकी आय होती वही उनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत होता है। तरह तरह के ब्याज ऋण, वो आप जैसे आप लेते व्हीकल ले लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, इंडस्ट्रियल लोन होते हैं, और उस ब्याज की कमाई, तो ये मनीष जी जो बैंकों की कमाई बढ़ी है, ये ऋण इन सब ले कौन रहा है? इन बैंकों से ऋण कौन ले रहा? अगर दे जैसा एक पाड़ा बताता लहराता हुआ 70 के दशक की कैबिनेट आंसर की तरह, कि ये तो जो है मोदी ने सब तबाह कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौकरियां खत्म हो गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, तो ये 3,12,019,000 करोड़ का जो मुनाफा हुआ है, ये बैंकों से कौन कर्जा ले रहा है वापस कर रहा है? और उसको जब वो बनी थी, अगर वो वापस कर रहा तभी तो आमदनी हो रही, नहीं तो जैसे कांग्रेस लुटिया डुबो के बैठी थी एनपीए की, वो होता तो ये आज ये परिणाम सामने ना होता। तो ये अपने आप में जो बैंकों की आय बढ़ना मनीष जी, और वो इस कदर बढ़ना, यानी 10 गुना मान लिया आप, 10 गुना 10 नहीं तो 8 गुना आप मान लीजिए कि 8-9 गुना जो आय बढ़ी है, ये अपने आप में बताता कि बैंकों का मुनाफा देश के चतुर्दिक विकास का द्योतक होता है। क्योंकि एक सब्जी में ठेला बेचने वाला, वो भी अब उससे कर्ज लेता है,
और देश का शीर्ष उद्योगपति चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी, वो भी उनसे कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेके जब उनको ब्याज देते हैं तो उससे उनकी आय होती है। तो ये अपने आप में मतलब 8-10 गुना कांग्रेसी शासन से ज्यादा अगर बड़ा है, तो इसका मतलब बैंकिंग कारोबार बहुत बुरी तरह से फैला है और उसका बड़ा विकास हुआ है और अपने आप में फल फूल रहा है। तो ये जो आर्थिक गतिविधि का रोना ये रोते हैं, बेरोजगारी और औद्योगिक फैक्ट्रियां बंद हो गई, औद्योगिकरण की प्रक्रिया यहाँ बिल्कुल खत्म हो गई, वो अपने आप में मैंने कहा ना कि इनके पहले कपड़े उतारती हैं दोनों खबरें, और उसके बाद इनके दोनों तरफ पूरे बदन पे इनके काली पोती, केवल चेहरे पर नहीं पूरे बदन पे काली पोती। इनका कोई जवाब है? ये पाड़ा को या वो जो सनसनीबाज अगर देख रहा हो, हम लोग का देखता तो ही है, तभी आज वो रो रो के सफाई दे रहा था स्मृति ईरानी वाली, कि जरा ये एक एक एपिसोड इस पे करे ना सनसनीबाज, और ये करे पाड़ा जो इन सबका बाप है, कि ये बैंकों का जो बैंकों की जो आय बढ़ी है ये क्यों बढ़ी, ये कैसे बढ़ी, किस लिए बढ़ी, और कांग्रेस के जमाने से 7-8 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो ये क्या है, ये कहाँ से बैंक, क्या ये स्मगलिंग कर रहे हैं, हीरोइन बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, बताया जा रहा कि ये इस पर बात नहीं करेगा। और केवल ये पाड़ा ये नहीं, वो मनीष जी जो जर्मनी में बैठा है कुत्ता, जो है तो देसी नस्ल का लेकिन वो अपने आप को जर्मन शेफर्ड बताता है, वो ध्रुव राठी नाम लेके कह रहा हूं, ताकि जरा आए कि जरा ध्रुव राठी, अगर तुम अपने असल बाप की पैदाइश हो तो ये जरूर एक प्रोग्राम इस पे करना, कि ये जो बैंकों का मुनाफा 8-10 गुना ज्यादा बढ़ा है, ये कहां से बढ़ा, तुम्हारे बाप आके पैसा देगा बैंकों को कि तुम्हारी अम्मा आके पैसा दे गई, कौन दे गया ये पैसा बैंकों को, जिनका मुनाफा 3,19,000 करोड़ हो गया, अगर तुम अपने बाप से पैदा हो ध्रुव राठी तो जरूर बताना। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पूरा सिस्टम बेरोजगारी आ गई, बैंक जो है लूटे चले गए, बैंक का पैसा लेकर के चला गया। और मनीष जी दूसरी चीज जब वो बैंक से भी जुड़ी है, और जो शेयर मार्केट की बात की, शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है, बड़ी कंपनियां करती हैं, म्यूचुअल फंड का करते हैं, लेकिन आम आदमी का भी पैसा उसमें बहुत जबरदस्त लगा होता है, उसकी हिस्सेदारी होती है, आज की तारीख में करोड़ों इन्वेस्टर है जो करते हैं। तो मनीष जी चाहे वो बैंकों का डिपॉजिट हो, और चाहे मतलब यहाँ तो समझिए 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटल होना, तो वहां पर पैसा आम आदमी तो लगा रहा है, ये तो मतलब ये चाहे सनसनीबाज को सुनिए, पाड़ा को सुनिए, या वो जर्मनी नस्ल के कुत्ते को सुनिए, कि आदमी तो तबाह हो गया, खाने ठिकाना नहीं, भूखा मर रहा है, तो ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट कौन कर रहा है और बैंकों में डिपॉजिट कौन कर रहा है। तो ये अपने आप में कहना, मैं ये दोनों खबरें जो है इनको नंगा करती हैं, और दर्शकों को कहूंगा जरा इसका ठीक से आप लोग चर्चा करिए, प्रचार करिए, क्योंकि इन दोनों उपलब्धियों पे जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, देश के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी ना न्यूज चैनल पे होगी, हाँ अखबार ईमानदारी से जरूर इसको छापेंगे। अखबार ईमानदारी से इसको जरूर छापेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किस चीजों को टेलीविजन चैनलों की एक गत क्या हो गई है, कि